बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्म सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन वला आले सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन। ऑल स्टूडेंट्स, लर्नर्स ऑल ओवर द वर्ल्ड, अस्सलामु अलैकुम। टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस दैट अ नंबर ऑफ मैसेजेस आई हैव रिसीव्ड, अ नंबर ऑफ फोन कॉल्स आई हैव रिसीव्ड एंड दे आस्क्ड मी टू टीच बेसिक इंग्लिश ग्रामर। So I decided to teach on the request of all my students, learners, basic English grammar, so that students can get over their difficulties. The problem is that if you don't have your foundation, you can't understand my grammatical structure. लेट मी मेक इट समथिंग इन उर्दू। अब दो चीजें मैंने स्टार्ट की हैं, एक उन बच्चों के लिए जो हद से ज्यादा कमजोर है, जिनकी बेसिक है ही नहीं बिल्कुल भी, उनको ए और एन का फर्क नहीं पता, उनको प्रोनाउन का नहीं पता, उनको पर्सनल प्रोनाउन का नहीं पता, रेगुलर इरेगुलर वर्ड्स का नहीं पता, तो मैंने ये डिसाइड किया है कि मैं लेसन वाइज बच्चों को पढ़ाऊं, यानी एक लेसन में एक चीज समझाऊं, स्टेप बाय स्टेप आई टेक देम टू द टेंसेस, फिर उसके बाद एक्टिव एंड पैसिव वाइज, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। जब किसी की फाउंडेशन बनानी पड़ती है तो ये सब चीजें बहुत जरूरी है। ऑन द अदर हैंड, जो ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर मैंने पढ़ाने शुरू किए हैं वो विल कंटिन्यू, जैसे मैंने पढ़ाया आपको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूज विद स्पेशल यूज ऑफ सिंस एंड फॉर, आई टॉट यू इंपरेटिव सेंटेंसेस, ट्रांसिटिव एंड इंट्रांसिटिव वर्ब, राइट। सो इंशाल्लाह ताला आई हैव रिकॉर्डेड अ वीडियो, दिस वीडियो विल बी अपलोडेड एंड इफ यू हैव एनी डिफिकल्टी प्लीज सेंड मी अ मैसेज, दिस विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर द वीकेस्ट स्टूडेंट्स। जो बच्चे हद से ज्यादा कमजोर हैं, प्लीज आप उनको सीखें, लेसन वाइज है वो, एक एक चीज बारीक बीनी से मैंने डिस्कस की है। जैसे वीडियो अपलोड होगी उसके अंदर मैंने बताया है कि वोवेल्स कितने होते हैं, कॉन्सोनेंट्स कितने होते हैं, ए और एन में फर्क क्या है, राइट। इसके बाद इंशाल्लाह आई विल टेक यू टू नाउन, देन प्रोनाउन एंड सो ऑन। वॉच इट केयरफुली and if you have any problem send me a message, I will continue to teach you, right। Salim Shahzad from home saying to all of you, Allah Hafiz, have a wonderful day।